हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे इज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। नाउ डेली के बेसिस पर कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और हर एक पर्टिकुलर न्यूज़ को यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे पूछी जाएगी, मेंस में कैसे पूछी जाएगी उसको डिस्कस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग की जाती है एडिटोरियल के बेसिस पर और करेंट प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ सबसे पहला सेक्शन है पूरे जो भी हेडलाइंस आई हैं उनको डिस्कस करना। फायर क्रैकर्स के बारे में है कि टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, कौन सा सॉल्ट डालेंगे तो कौन सा कलर हमको देखने को मिलेगा, इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बना सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। निपाहा एंटीबॉडी जब बैट में इंस्पेक्शन कर रहे थे निपाहा वायरस देखने को मिला, इसको डिस्कस करेंगे। मिहिर भोज के बारे में डिस्कस करेंगे ये कौन है, राइट। और प्रेसिडेंट की पावर पार्डनिंग पावर को जानेंगे, यहां से क्या होता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पे तो आंसर राइटिंग कर चुके हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। आगे है आरटीआई एक्ट, एक पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है और क्यों पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो डिस्कस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, चाइना ने नए रूल्स निकाले हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर डिस्कस करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत चाह रहा है यूएसए के साथ भी हो, इसको डिस्कस करेंगे, राइट। और H1B वीज़ा और वर्ल्ड की न्यूज़ पूरी डिस्कस करेंगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। देखिए हम आपको फ्री में कैसे हेल्प करते हैं, नियरली 6000 से ज़्यादा यूपीएससी ही एस्पिरेंट हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और जो डेली के बेसिस पर यूपीएससी आंसर राइटिंग करते हैं। इस ग्रुप में डेली के बेसिस पर क्या होगा, जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो आपको फ्री में इस ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं, आप हमारे पीआर पब्लिकेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2022 को 2023 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ईयरली प्लान ले सकते हैं। 499 रुपीज़ का डेट वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग 6 to 12th नोट्स, ये आपको मिलेगा 499 रुपीज़ के प्लान में। तीनों प्लान लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ में अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फोनपे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। पंजाब में तो वो टर्मोइल चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेसिडेंसी छोड़ दी है पंजाब की, राइट। तो इस पर पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्रिमिनल न्यूज़ है, जितने भी पॉलिटिकल और क्रिमिनल न्यूज़ होती हैं वो आप स्किप करना, ठीक है, वो आपके यूपीएससी में कभी नहीं पूछी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेडनेसडे को सीबीआई से कि आप इंक्वायरी करो, जितने भी पटाखे बनाने वाली कंपनी है, फायर क्रैकर्स वाली कंपनी है, आप जांच करो। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि टॉक्सिक मटेरियल बेरियम जो कंटेंट है वो देखने को मिला है पटाखों में, जिससे कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। और आगे ये बोला कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होते हैं, बट लोगों को ये भी माइंड में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को अस्थमा भी है, ठीक है, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट में। ऐसा भी नहीं होगा कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री को पूरा ही शट डाउन करेंगे, राइट। तो एक्चुअल में हम इसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे न्यूज़ में कहीं भी मेंशन नहीं है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, बट हमें डिस्कस करना है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में कि ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं। आपकी उस पर्टिकुलर न्यूज़ से यूपीएससी मेंस में और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट सेक्शन में इसको इंक्लूड कर सकते हो। ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं, ये लेस हार्मफुल हैं जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पटाखे होते हैं उनसे। एमिशन और डेसिबल लेवल, मतलब जो फटने की आवाज़ होती है डेसिबल लेवल, उसको साउंड की मीज़र करते हैं, साउंड को कितना डेसिबल की साउंड है वो भी कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए दे आर नॉन एज द ग्रीन फायर क्रैकर्स बिकॉज दे हैव केमिकल फॉर्मुलेशन दैट प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स। इनको ग्रीन फायर क्रैकर्स इसलिए कहते हैं जब ये फटते हैं या जो केमिकल रिएक्शन का आउटपुट होगा उससे जो है वाटर मॉलिक्यूल, कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि पानी निकलेगा, ठीक है, मतलब एमिशन कम होगा, जो पॉल्यूटेड एमिशन होते हैं पॉल्यूटेड निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। आगे ग्रीन क्रैकर्स में 30-50% तक जो नाइट्रस ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है वो कम रहता है। और CSIR लैब में देखिए अलग अलग लेबोरेटरी यहाँ पर सेटअप की जाती हैं हर एक इंडस्ट्री में, तो इसके बेसिस पे ये ग्रीन क्रैकर्स बनाए जाते हैं। ग्रीन लोगों में क्या होगा, QR कोड होगा दैट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स फ्रॉम कन्वेंशनल क्रैकर्स। अब पता कैसे करोगे, उसमें जो है ग्रीन लोगो भी बना होगा और QR कोड भी होगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। अब देखिए अभी की जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो है बेरियम नाइट्रेट, तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पोटेशियम नाइट्रेट से। अभी हमने देखा न्यूज़ में कि बेरियम जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है जिससे अस्थमा के जो प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं, ठीक है, तो इन सब को कंट्रोल करता है पैसो।
पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है, ये 1898 में बना था, नोडल एजेंसी। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि जो इसको मॉनिटर करते हैं फायर क्रैकर्स को, टॉक्सिक तो नहीं है, तो ये मॉनिटर कौन करेगा? पैसो मॉनिटर करेगा। हेड ऑफिस कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सिर्फ प्रिलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ कि कौन सा फायर क्रैकर कौन सा कलर देगा और किस वजह से देगा, जैसे रेड देता है तो स्ट्रोंटियम सॉल्ट, ऑरेंज कैल्शियम होगा, येलो होगा, कभी भी येलो की बात आ गई तो सोडियम, ठीक है, ग्रीन होगा बेरियम, ब्लू होगा कॉपर, पर्पल होगा ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड स्ट्रोंटियम, ठीक है, तो ये, और वाइट जल रहा है तो मैग्नीशियम, ठीक है, या एल्युमिनियम। तो ये आपके प्रिलिम्स के नोट्स भी हो गए और मेंस के नोट्स भी हो गए। नाउ बात करते हैं केरला की। जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे गए सैंपल्स बेड के, 50 से ज़्यादा जो बेड्स के सैंपल कलेक्ट किए थे और उसमें नीपाह एंटीबॉडीज़ देखने को मिली। तो एक बार केरला में नीपाह वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, अभी धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें जानना है नीपाह वायरस होता क्या है, ये सिर्फ आएगा प्रिलिम्स में। नीपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है, ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड डायरेक्टली बिटवीन पीपल्स, और पीपल टू पीपल भी फैल सकता है। जनरली सीवियर डिजीज करता है, जैसे पिक्स में नेचुरल होस्ट होता है नीपा वायरस का फ्रूट बैट, यह है टेरोपिडाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअल सोर्स तो अभी भी पता नहीं है, बट जो फ्रूट बैट है, चमगादड़ है, वो इसका नेचुरल होस्ट है, राइट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है क्या? यस, आंसर होगा यस। कोई वैक्सीन है क्या? अभी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। हुआ क्या था कुछ ही दिनों पहले, मिहिर भोज एक स्टैच्यू लगाया गया था जो कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने, यहाँ पर हुआ क्या था जब लगाने से पहले, जो देखिए ये मिहिर भोज थे, राजा थे गुर्जरा प्रतिहारस डायनेस्टी के, 9th century में इनका रूल था, अब इनके बारे में जानेंगे। हुआ क्या कि जो गुर्जर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, राजपूत ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि जो गुर्जरा रिफर्ड टू ए प्लेस नॉट ए कास्ट, गुर्जरा एक प्लेस है ना कि एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये जो राजा हैं वो राजपूत के हैं, मतलब दो जो कास्ट हैं राजपूत और गुर्जरा। अब इनके बेसिस पर यह होता है कि जब इनॉग्रेशन किया जा रहा था, सबसे पहले क्या है गुर्जर का ऐसा लिखा था, गुर्जर मिहिर भोज, तो इससे राजपूत वाले चढ़ गए कि यार आप तो गुर्जर पर गुर्जर मिहिर भोज लिखा है, ये तो राजपूत से बिलोंग करते हैं। इनोग्रेशन होने से पहले गुर्जर को भी हटा दिया गया। अब 26 सितंबर को गुर्जर हेल्ड ए मैसिव महापंचायत इन दादरी विलेज, और उन्होंने बोला कि जो गुर्जर शब्द लगाया था मिहिर भोज के स्टैच्यू के सामने आपने लिखा था, उसको दोबारा रिस्टोर करो। अब इसके बेसिस पर जो कॉम्युनल क्लैशेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पर मेजर क्वेश्चन ये तो न्यूज़ थी कि पर्टिकुलर ये मुद्दा आया क्यों, अब मिहिर भोज खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया, तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए या 2023 के लिए मिहिर भोज अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इनका इनवेल किया गया। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिहिर भोज से पूछ सकते हैं, रिसेंटली हुआ क्या था न्यूज़ में क्यों था, अनवेल किया था योगी आदित्य जी ने मिहिर भोज कॉलेज लोकेटेड इन दादरी गौतम बुद्ध नगर में। डिस्प्यूट क्या है गुर्जर राजपूत सोसाइटी के बीच में है कि वो हमारे राजा हैं, हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, राजपूत बोल रहे हैं, गुर्जरा अपने बेसिस पे बोल रहे हैं। मिहिरभोज एक्चुअल में है कौन फिर? वॉज द रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारस डायनेस्टी इन द 9th century हु एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम मुल्तान टू बंगाल एंड फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्दर्न महाराष्ट्र, बहुत जगह से फैला था मुल्तान से लेके बंगाल तक, और नॉर्थ की बात करूँ कश्मीर टू नॉर्दर्न महाराष्ट्र, कश्मीर से नॉर्दर्न महाराष्ट्र से और मुल्तान से बंगाल के बीच में उनका एम्पायर फैला हुआ था। मिहिर भोज ने मेड कन्नौज एज हिज कैपिटल, ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, सो इन ऑनर ऑफ विष्णु ही हैड एज्यूम टाइटल लाइक वराह और प्रभास। प्रिलिम्स में डायरेक्ट आएगा कि उनको जो टाइटल मिला है वराह और प्रभास वो किस गॉड से एसोसिएटेड है या डेडिकेटेड है? विष्णु। द अचीवमेंट ऑफ मिहिर भोज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द ग्वालियर प्रस्तुति इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? एक रॉक सरफेस होगी उसमें जो लिखा होगा। तो कुछ ये प्रिलिम्स के क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में मेंशन है उनका, उनकी अचीवमेंट बताई गई हैं, विष्णु से एसोसिएटेड थे, मुल्तान से बंगाल, तो ये पूरा मिहिर भोज के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। हालांकि ये डिस्प्यूट चलते रहेंगे कि किसके राजा हैं, तो कॉम्युनल वायलेंस ना हो इसलिए उन्होंने अपना जो मिहिर भोज के आगे गुर्जर पहले क्या लिखा था जब अनवील किया जा रहा था, गुर्जर मिहिर भोज, तो अब इससे राजपूत चिढ़ गए,
फिर हटा दिया तो फिर गुर्जर चढ़ गए। ठीक है, डिस्प्यूट चलते रहेंगे, बट मेजर चीज क्या क्या है प्रीलिम्स की वो मैंने आपको बता दी है। देखिए, अब एक पॉइंट है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन वेडनेसडे रिजेक्टेड द प्ली ऑफ बीए उमेश रेड्डी हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन ए रेप एंड मर्डर केस फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ पेनाल्टी टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पर 2016 की बात है, तब से ही ये बंदा जो है डेथ पेनाल्टी इसको दी गई थी। अब ये बोल रहा है कि मुझे आजीवन कारावास दो उस चेंज करके, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन। अभी हाईकोर्ट ने फिर से पिटीशन डाली थी इस पर, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। बट मेजर क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ऐसे केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, ये किसकी पावर होती है कि पर्टिकुलर डेथ पेनाल्टी को आप कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं। तो हम आज प्रेसिडेंट की पावर जान लेते हैं, जो कि यूपीएससी पॉलिटी का पेपर है। क्या इस न्यूज़ ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है? यस, मैटर ऑफ कंसर्न तो है, बट इस न्यूज़ को आपको याद नहीं करना कि हाँ कहाँ का उत्तर प्रदेश का बंदा था, बिहार का था, कर्नाटका का था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या था, इससे पहले भी ये न्यूज़ आई थी कि एक 12 साल का जो लड़का है शबनम का, ये डेथ रो कन्विक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश अमरोहा अपील्ड टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू फॉरगिव हिज मदर। ठीक है, शबनम ने बहुत सारे लोगों के मर्डर भी किए थे। शबनम हैज़ एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ हर लीगल रेमेडीज एंड इफ एग्जीक्यूटेड विल बी द फर्स्ट वुमेन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हैंग्ड फॉर ए क्राइम। शबनम की आप स्टोरी देखना, बहुत सारे लोगों को मर्डर किया था। तो अगर सपोज शबनम को डेथ पेनाल्टी मिल जाती है, तो पहली इंडिया की हिस्ट्री में ये रहेगा, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी क्राइम के लिए वुमेन को फांसी दी जाएगी। और एक चीज़ नोट करने वाली है, महिलाओं को फांसी कहाँ, कौन से जेल में, क्या सभी जेलों में दी जा सकती है? नहीं, ओनली वन जेल इन इंडिया, द वन इन मथुरा में है, हैज़ द प्रोविजन फॉर हैंगिंग ए वुमेन कन्विक्ट। कोई महिला कन्विक्ट है तो उसको फांसी लगाई जा सकती है, सिर्फ मथुरा की जेल में प्रोविजन है। क्लीमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्या कर सकता है, पार्डनिंग पावर दे सकता है, यानी कि डेथ पेनाल्टी को कम भी कर सकता है। जैसे पार्डन करना, रिप्राइव करना, रिस्पाइट करना, रेमिशन करना, ये सब होते हैं। तो हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। जैसे पार्डन, पार्डन कम्प्लीटली एब्जॉल्व द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल सेंटेंस एंड पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्लेसेज हिम इन द सेम पोजिशन एज इफ हैड नेवर कमिटेड द ऑफेंस। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह माफ़ कर देना। जनरली ये जो लोग फॉल्स केसेस में फंसे रहते हैं उनको पार्डनिंग दी जाती है। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। वही डेथ पेनाल्टी के बदले आप क्या कह दे रहे हो कि मुझे लाइफ इंप्रिजमेंट चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में टू रिप्लेस द पनिशमेंट विथ लेस सीवियर पनिशमेंट। ओके, रिप्राइव क्या होता है? टेम्प्रेरी सस्पेंशन होता है डेथ सेंटेंस का। अगर कुछ दिनों तक डेथ पेनाल्टी कम तो नहीं की है, बट बोला गया है कि आपको चलो 4 महीने बाद लगाएंगे फांसी, तो उसे रिप्राइव कि और जीना चाहता हूं मैं। रिस्पाइट क्या होगा? रिस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड। सपोज कोई विमेन है, प्रेग्नेंट है, तो उनको थोड़ा सा जो है पनिशमेंट कम कर दी जाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि देखो 10 साल की तो है, 10 साल की सजा है तो है। लेसर पनिशमेंट का मतलब है 10 साल के उसमें या तो 6 साल कर देंगे या उसी को अच्छी फैसिलिटी आपको दे देंगे। रेमिशन, रेमिशन मीन्स रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर सेम रहेगा, बट इसमें रेमिशन का एग्जैक्ट मतलब होता है 1 साल की सजा 6 महीने। रेस्पाइट में क्या होता है? अच्छी फैसिलिटी दे दी जाएगी, मतलब उस जेल में नहीं रखा जाएगा फिर, जहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं आपको उसी जगह पर रखा जाएगा। तो ये रहता है। तो ये सब हमने प्रेसिडेंट की पावर देखी। प्रेसिडेंट और गवर्नर में जो डेथ पेनाल्टी को या कम कर सकता है या टाल सकता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं आज के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, वही घिसा पिटा आर्टिकल है, कोई नई चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने NDHM जो मिशन है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि सभी एक लोगों के पास 14 डिजिट का हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अब जहाँ पर भी जिस भी आप हॉस्पिटल विजिट करोगे किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपके पास ये आईडी कार्ड होगी। और उसके बेसिस पे होगा क्या कि पर्टिकुलर आपके रिकॉर्ड को मॉनिटर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। ये आईडी क्रिएट होती है आपके आधार कार्ड से, बेसिक डिटेल से, सॉल्यूशन लुकिंग फॉर प्रॉब्लम। अब बहुत सारी इसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रिसर्च में कॉस्ट पड़ेगा,
appropriate drugs, treatment, competing system of medicine, right? Data का issue रहेगा, health ID, हालांकि इसमें voluntary अभी provision डाला गया है, जब implement होगा तब देखा जाएगा। तो ये सब इसके issue थे, पर क्या इस पर answer writing की जा सकती है? Yes, इस पर answer writing हम लगभग दो बार कर चुके हैं पिछले डेढ़ साल में। एक टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, एक साल पहले भी सेम क्वेश्चन था, 28 अगस्त को किया था, फिर 24 सितंबर को किया था, और हिंदू न्यूज़पेपर में ही आया था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन NDHM स्टार्ट हुआ, इसके सिग्निफिकेंस या चैलेंजेस क्या क्या हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। NDHM 74th इंडिपेंडेंस डे के दौरान लॉन्च किया गया था, हर के पास एक इस पर डिजी हेल्थ आईडी होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होंगे, डीजी डॉक्टर होंगे, जिसमें सभी डॉक्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के अपने फ़ोन नंबर शेयर करेंगे, उसमें टेलीमेडिसिन की सर्विसेज भी अवेलेबल हो पाएंगी। और सबसे अच्छा तो इसमें डिजिटल हेल्थ आईडी ही है, ठीक है, 14 नंबर की डिजिट होगी पर्टिकुलर, और उसके बेसिस पे क्या होगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, यानी कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स पर्सन को बुखार है और वही उसकी हेल्थ आईडी क्रिएट हो चुकी है, अब उसको फ्रिक्वेंटली बुखार आते रह रहा है, तो वो अब किसी भी राज्य में जाएगा तो उसको मॉनिटर कर दिया जाएगा और उसके बेसिस पे उसको दवा दी जाएगी, मतलब सिमिलर दवा बार बार नहीं, बल्कि अगर फ्रिक्वेंटली है तो उसके बेसिस पे उसको डोजेस बढ़ाई जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर किया जाएगा और इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हेल्थ जो है एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। नाउ इससे पहले जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, योशिदा सुजा ने, क्योंकि लोगों ने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया कि COVID-19 को आप अच्छे से कर्व नहीं कर पाए। तो सिमिलर यार ऐसा हमारे भारत में भी होना चाहिए। तो नए इलेक्शन हुए, जापानीज के नए जो प्रेसिडेंट हैं वो आ चुके हैं, फ्यूमियो किसिडा LDP पार्टी से हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पर जो नई नई पॉलिसी आएंगी, भारत और जापान के बीच में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? यस है, ठीक है, तो बाकी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि देखिए पीएम केयर्स फंड ना तो किसी कानून के द्वारा बनाया गया है, ना ही संविधान के द्वारा, सिर्फ एक वेबसाइट बना दी गई है जिसके वजह से पीएम मोदी ने कहा कि इस पर हमको डोनेशन करो। सिमिलर ऐसा हमारा किया गया था क्या NDRF, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जिसमें आप डोनेशन कर सकते हो, वो भी RTI के अंदर आता है? यस, देखिए इससे पहले एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, मतलब अभी का वेब पेज है, जब जान सकते हो उनके बारे में, ये लिंक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया जिसमें बोला गया कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन करेगी, और इसमें बट एक चीज़ ये है कि जो भी डिजास्टर आएगा, कोई भी चीज़ें होंगी, तो रिलीफ दिया जाएगा विक्टिम्स को, ठीक है। तो नेशनल रिलीफ फंड है, तो इसको अभी जो ट्रस्टी हैं इसके वो प्रेसिडेंट हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब ये पहले से ही है। पर अभी की जो नई पीएम केयर्स है वो किसके अंदर है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। जनरली ये COVID-19 अफेक्टेड लोगों को रिलीफ मदद पहुंचाने में काम करता है। बट क्वेश्चन ये है, ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये फंड यूज़ कहाँ हुआ, किसको कितना गया, कितने इससे मास्क खरीदे गए, कितने सैनिटाइज की बोटल्स खरीदी गई, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। सरकार कहती है कि ये तो RTI के अंदर है ही नहीं क्योंकि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। द गवर्नमेंट क्लेम दैट पीएम केयर्स फंड इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी इज अनएक्सेप्टेबल, ऐसा बोला गया है। ओके, अगर सपोज ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर सरकार अभी अलाउ कर देती तो फिर कैग आते और अच्छे से मॉनिटर करते, ऑडिट करते कि पर्टिकुलर ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI? RTI एक्ट 2005 का सेक्शन 2, उसका सब क्लॉज एच, पब्लिक अथॉरिटी एक वो अथॉरिटी होगी जो इस्टेब्लिश की हो गई या तो संविधान के द्वारा, या पार्लियामेंट में कोई कानून बना होगा, या राज्य का कोई कानून बना होगा, या कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया होगा अप्रोप्रिएट सरकार ने। अब ना ही नोटिफिकेशन, ये तो एक वेबसाइट बना दी बस और डाल दिया गया। तो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो इंक्लूड बॉडी ऑन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ किसी को भी फंडिंग देगी तो वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगा। बट सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि ये पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक वेबसाइट बना दी गई है। इससे नेगेटिव चैलेंजेस ये होंगे कि हमने डोनेट किया है तो पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड बनाया कब गया था? 28 मार्च 2020 को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था COVID-19 से जितने लोगों की डेथ हो रही है, जितने लोगों को सफ़र करना पड़ा है, उनको
मास्क देना, बहुत सारी दूसरी चीज़ें देना, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, पीएम एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब पीएम तो है ही और इसके चेयरमैन भी होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये होंगे। मॉनिटर क्यों करना चाहिए, पीएम केयर्स फॉर हेल्थ ऑल्सो रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन टू एक्सेस ऑफ आरएस 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये मिल चुके हैं इसमें। सोचो कि एक कैक की ऑडिटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है, चाइना ने गिग वर्कर्स के लिए क्या किया है। गिग वर्कर्स आप यूट्यूब पर डालेंगे तो हमारे ही चैनल का एक लिंक मिल जाएगा। गिग वर्कर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे कैब ड्राइवर, एक्चुअल में गिग का मतलब कहाँ से आया था, जैसे कोई सिंगर है, अगर उससे बोला गया कि हाँ यहाँ पर आपको 5 घंटे के लिए परफॉर्म करना है तो उस सिंगर को गिग वर्कर कहेंगे, ठीक है। उस सिंगर को क्या कहेंगे, गिग बोलेंगे या गिग वर्कर बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि जो कुछ घंटों के लिए काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, टैक्सी ड्राइवर, ओला, उबर। तो चाइना में क्या बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर इन वर्कर्स को क्या करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में भी नहीं डाला गया है। तो चाइना ये कह रहा है कि इनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में अगर हम डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार वेलफेयर जो पॉलिसी चलाती है, स्कीम चलाती है, उसके अंदर ये इंक्लूड हो सकते हैं। एट द एंड कंपनी में इकोनॉमिक राइज, गवर्नमेंट स्क्रूटनिटी ओवर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म चल रही है, जिस तरह से बढ़ रहे हैं पेंडेमिक में, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे उनको पीटा भी गया, चालान काटा गया उनका, राइट। बहुत सारे लोगों को 12 घंटे का काम करवाया गया और सिर्फ एक दिन की $6 जो करेंसी है RMB चाइना की वहाँ दी गई। तो अभी हालांकि ये तो चाइना का है, पर यही सिमिलर मैटर हम क्या करेंगे, इंडिया के रिस्पेक्टिव में भी बात करेंगे, राइट। तो अभी अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में भी डालना चाहिए उनको, भारत ने भी, और ताकि उनकी वेलफेयर जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाए। नाउ नेक्स्ट है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डेटा प्रोटेक्शन में हैज़ फाउंड ए मिडिल ग्राउंड ऑन द कॉन्टिटियस क्लॉज विज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अलाउ एनी एजेंसी अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर या सरकारी जो कर्मचारी होगा वो सॉवरेनिटी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पर कोई भी उसमें डेटा प्रोटेक्शन के लॉ लागू नहीं होंगे। ऐसा सरकार अपनी ऑटोनॉमी दिखाना चाह रहा है, देखो ऐसा बोला गया। मोर देन 10 MPs इन द पैनल हैड अर्लियर ऑब्जेक्टेड टू द क्लॉज। इस क्लॉज में ये बोला गया, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि यूनियन गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी एजेंसी होगी वो बोलेगी कि सॉवरेनिटी के नाम पर हम इस डेटा को लीक नहीं कर सकते, या तुम्हारा डेटा लिया जा रहा है। आपके घर में सपोज एक यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी आ गई और बोला कि चलो अपना आधार कार्ड नंबर दो हमें, ठीक है, और कौन सी बीमारी है ये बताओ। आप कहोगे क्यों, वो कहेगा ठीक है सॉवरेनिटी के नाम पे, इससे USA के और हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हमको डेटा दो। ये तो ये क्लॉज उन पे अप्लाई नहीं होगा, आपको डेटा देना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर क्लॉज मेंशन है। हालांकि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर बहुत सारे MP अभी इसको अपोज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर कानून आप बना रहे हो तो वो सरकारी एजेंसी पर भी लागू होना चाहिए, ना कि आप सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट राज्य की सिक्योरिटी के नाम पर, वो आप पे कानून अप्लाई ही नहीं होगा, ऐसा क्लॉज यहाँ पर डालने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2019 में है क्या। डेटा लार्ज कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि कंप्यूटर में स्टोर होगा, राइट। और एक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, कि BN जो श्री कृष्णन की कमेटी थी, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इसमें एक डेटा को पर्सनल डेटा, क्रिटिकल पर्सनल डेटा के बेसिस पे तोड़ा गया। पर्सनल डेटा जैसे नाम, आपका एड्रेस क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। क्रिटिकल पर्सनल डेटा जो भी नेशनल सिक्योरिटी को वॉयलेट करेगा वो क्रिटिकल पर्सनल डेटा में आएगा। अब इसमें हर एक कंपनी को अपना DPO यानी कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर लगाना पड़ेगा। जो भी कंपनी डेटा ले रही है पर्टिकुलर, अगर वो कंपनी फॉलो नहीं करते जो रूल्स एंड रेगुलेशन कानून के हिसाब से बनाए हैं, तो उसको पेनाल्टी 5 करोड़ से ज़्यादा पड़ सकती है। दूसरा वॉलंट्री है इसमें, अगर आधार देना है तो वो आपका वॉलंट्री, आधार तो हमेशा वॉलंट्री रहता है। एडवांटेज तो यही फ़ायदा है यार, डेटा लोकलाइजेशन क्या होगा, अगर यहीं पर डेटा रहेगा, भारत में ही डेटा, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सिक्योर तो नहीं होगा, बट हम टैक्स ले सकते हैं। मैं कहूँगा फेसबुक से आप इंडियन यूज़र का डेटा आप यहीं पर स्टोर करो, ठीक है, और उसके बेसिस पर डेटा स्टोर करने पर हम उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे और ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक तरीके से फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ होती हैं,
विच हैज़ रिजल्टेड इन लिंचिंग, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब इसको मॉनिटर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है टाइम पे, क्योंकि सब डेटा होगा हमारे पास, मॉनिटर किया जाएगा। तो सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ भी मॉनिटर कर सकते हैं, पर डिसएडवांटेज यही है कि यार प्राइवेसी कंसर्न सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। नाउ मिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला है कि यूएसए की कंपनी से आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जारी रखिए। अभी भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑलरेडी हैं, तो एफटीए को डिस्कस करेंगे। यहाँ से कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो भी एक्सपोर्ट करेगा उनको इंश्योरेंस में मिलेगा कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे। यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं तो उनको एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो ये भारत सरकार ने एक अपना एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, राइट। H1B वीज़ा के बारे में बात करें, बहुत सारे पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो यहाँ पर विल एग्जिस्टेड टिल टैलेंट इशू इज टैकल्ड ग्लोबली। मतलब H1B वीज़ा इशू कौन करता है? यूएसए की सरकार का है। अगर यहाँ से कोई टेक्निकल बंदा जा रहा है यूएसए में, तो उसको H1B वीज़ा लेना पड़ेगा। तो तब तक ये चलते रहेगा जब तक टैलेंट इशू आएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स या सस्ते वर्कर्स नहीं मिल रहे, तो भारत में H1B वीज़ा आप लगा के US जा सकते हैं, टेक्निकल होना चाहिए। तो अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और H1B वीज़ा डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एट द एंड लास्ट सेक्शन वर्ल्ड पेज का कर लेते हैं। जापान के नए जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, सुजा ने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि क्रिटिसाइज़ किया था। ये कुछ यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है, इसका कोई मतलब नहीं है। अदानी ग्रुप टू फॉर्म अप कोलंबो पोर्ट डील करने वाले हैं श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से। पुतिन एर्दोगन हेल बायलेटरल रिलेशन रशिया और इजिप्ट अभी करने वाले हैं, टर्की, ठीक है। तो एट द एंड लास्ट में कर लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है, जो प्राइमरीली एग्री करता है कि हम आप में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों ही कम करेंगे। टैरिफ बैरियर तो जैसे कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ पर, यूएसए में, तो जो भी एक्सपोर्ट की सामान है सपोज 1,000 करोड़ का, यूएसए कहेगा मैं आप पे 5 करोड़ लगाऊंगा टैक्स, तब ये सामान एंटर होगा, ठीक है। तो ये टैरिफ बैरियर होगा जिसमें पैसे के बेसिस पर लगाता है। नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ पर बोला गया है 100 आइटम्स हैं, तो यूएसए कहेगा नहीं आपको 90 आइटम्स ही अलाउड हैं अगर आप यूएसए में ये एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए। तो एक्चुअल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही जो प्रोविज़न है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के, वो कम कर दिए जाते हैं। मेहर बोज के बारे में भी कर लिया है। H1 वीज़ा आप सबको बताया है, ठीक है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसमें अलाउ करती है यूएस कंपनी टू एम्प्लॉय ग्रेजुएट लेवल वर्कर इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, जैसे आईटी से, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, तो उसको लेना पड़ेगा। H1B वीज़ा होल्डर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ले जा सकता है अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज टू द US अंडर द H4 वीज़ा कैटेगरी। H1B वीज़ा जो काम करने जा रहा है उसको, H4B वीज़ा उसके स्पाउस और चिल्ड्रन को, ठीक है। फ़ायदा क्या है? वही है यार, मोस्ट स्किल्ड फॉरेनर्स और हाइस्ट पेड बेनिफिशरीज। इन जुलाई 2018 USCIC एजुकेटर ग्रांटेड राइट टू रिजेक्ट H1B वीज़ा एप्लीकेशन। देखिए, जब अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चल रही थी, तब भी H1B वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया था। अलग अलग टाइप के वीज़ा भी होते हैं, H4 वीज़ा, इंडियन नेशनल जो डिपेंडेंट होते हैं H1B वीज़ा में, वो जैसे मैं काम करने जा रहा हूँ तो मेरे जो बीबी होगा और बच्चे होंगे, ठीक है, उनको H4 वीज़ा मिलेगा। L1B वीज़ा क्या होता है? एक कंपनी यूएसए में, एक कंपनी उसी की सब कंपनी यहाँ है, तो उससे जब ट्रांसफ़र होता है तब। J1 वीज़ा स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये सब भारत में भी इम्पैक्ट इसका ये पड़ा था कि यार IT सेक्टर पूरी तरह से डल हो गया था। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी चल रही थी, तो इस बेसिस पे। तो हमने कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लिया है। सर, कितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए हैं? देखिए, बहुत अभी मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, ठीक है, बट हिंदी माध्यम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। सर, अचीवमेंट ऑफ इंडियन पर एक वीडियो बना दीजिए। ओके निशांत, इसको बनाएंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से करें, प्लीज़ सजेस्ट। मिस रूपाली, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो NCERT से करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, एक पर्टिकुलर गूगल से सर्च करके, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह बुक है, या मेन्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो संजीव वर्मा, ठीक है, बहुत बेस्ट है। सर, माउंटेन पासेस को डिटेल में प्रिपेयर करें या फिर ओनली पास कहाँ से क्रॉस हैं प्लेस देखें बस? डिटेल में तो कवर नहीं करना UPSC में, जनरली स्टेट पूछता है, बॉर्डर पूछता है। थैंक यू प्रिया। ज्योग्राफी डाउट, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड एयर प्रेशर ऑल्सो राइज, बट इन पोलर जोन टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड एयर प्रेशर हाई, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। गीत शर्मा कहती हैं, एक ज्योग्राफी का डाउट है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड प्रेशर ऑल्सो राइज,
बट इन पोलर जोन टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर प्रेशर हाई। ठीक है, अब ये देखो यार, पोलर जोन का तो बहुत सिंपल है ना। पोलर जोन की अगर मैं बात करूं तो ये जो रीजन है वो डायरेक्टली होते हैं, जैसे आप कहोगे ना ITC जोन, या आपका जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पर लो प्रेशर होता है ITC जोन में। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी होती है, इंसोलेशन ज्यादा होता है। बट जो ठंडी जगह है, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जहां पर ठंडा है, विंटर है, वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर ट्रॉपिकल है लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे मिरर मिरर मिरर। और आज का जो एंड कोड है वो है DO DONG। थैंक यू।